मेरा नाम सतीश कुमार मिश्रा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता का यही कहना है कि इस सीट से ना तो बीजेपी को कुछ घाटा होने वाला, ना कांग्रेस को घाटा होने वाला। ये है, अभी एक बार आप हम लोग अजमा सकते हैं, डेढ़ साल बाद फिर चुनाव है। अभी तक जो विकास हो रहा है, चलता जा रहा, अच्छा ही हुआ, जितना भी किया जा रहा है ठीक ही किया जा रहा है। अपन जैसे बेरोजगारी की बात कर रहे थे अभी, तो बेरोजगारी तो अपन इससे पहले 70 साल पहले जो भी था कांग्रेस की ही सरकार थी, तो क्या उन्होंने किसी को, जो भी बेरोजगार युवा हैं, क्या किसी को दिया गया रोजगार? किसी को नहीं दिया गया। लेकिन सवाल तो ये है ना कि बेरोजगारी थी इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को चुना गया था ना, तो जो समस्याएं थी इसीलिए उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को चुना गया था ना। हर जगह जहाँ पे है, जैसे कि सरकारी सेक्टर है तो है ही है, प्राइवेट सेक्टर खोले जा रहे हैं, सीमेंट प्लांट अभी अपने मध्य प्रदेश में 4 से 5 सीमेंट प्लांट आ रहे हैं। ये बताइए, इतने सारे सीमेंट प्लांट है, सतना को सीमेंट सिटी कही जाती, सतना के कितने युवाओं को सीमेंट फैक्ट्रियों में नौकरी मिलती है? यहाँ के लोगों की क्यों महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत, बॉम्बे जाना पड़ता है? आखिर यहाँ के लोगों को तो यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। आखिर सांसद महोदय यहाँ से 3-4 बार सांसद रह चुके हैं, पूर्व में शंकरलाल तिवारी भी कई बार विधायक रहे, रैगांव में 25-30 साल जो है तो जुगल किशोर बागेरी रहे। ये हमारा जो एरिया है अभी रैगांव में अभी जुड़ा है, पहले हमारी जो विधान, पहले नौगांव में था, चित्रकूट था, चित्रकूट में था, कुछ हिस्सा नौगांव में था। हाँ, ये अभी 3 पंचवर्षीय से 15 साल से यहाँ पे रैगांव में जुड़ा है, इसके पहले अपन चित्रकूट में थे। तो अपन चित्रकूट में भी थे तो पहले यहाँ से हमारे विधायक प्रेम सिंह जी थे, हाँ, जो अब नहीं रहे, उनका भी विकास का स्तर ऐसे ही था। फिर जब यहाँ आया गया तो अपन लोग ने बीजेपी से जुड़ा, विकास हुआ, बहुत हुआ, किसानों के लिए बहुत कुछ हुआ, सम्मान, किसान सम्मान निधि मिल रही, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना है, इस तरह से हर किसान के खाते में 10,000 रुपए आ रहा है। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि आज तक किसी ने किसान के लिए इतना किया ना, कि हम कांग्रेस में भी तो पहले था, इसके पहले आज तक किसी किसान को 1 रुपए किसी के खाते में नहीं आया। और जैसे कि अब डीजल पेट्रोल है तो वो तो हर जगह बढ़ रही है, कांग्रेस भी है तो वो आएगी तो वो भी बढ़ाएगी, बीजेपी है तो वो भी बढ़ा रही है। तो आखिर इतना क्यों बढ़ रहे, क्यों कंट्रोल नहीं? जब हम ऑयल की बात करते, क्रूड ऑयल की बात करते, 2014 के टाइम पर वो $100 से ज्यादा था, लेकिन अब वो $100 से भी कम हो गया। उसके बावजूद जो महंगाई हो लगभग 40-50 रुपए जो, तो पेट्रोल डीजल बढ़ गया, अब क्या कारण है? अब बढ़ रही है, जैसे डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। पब्लिक पहले किसी घर में, एक किसी के घर में गाड़ी हुआ करती थी, आज डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है। आप ये भी देखिए कि हर घर में 3 गाड़ी है, पहले किसी गांव में, किसी घर में 1 गाड़ी हुआ करती थी, गांव में 1 गाड़ी हुआ करती थी, तब पेट्रोल था। आज भले पेट्रोल 117 रुपए है, फिर एक घर में आज 3-3 गाड़ियां हैं। ये पूछिए कि ये 3 गाड़ियां क्यों है घर में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये बताइए, पहले एक गाँव में जो तो कोई 10वीं पास होता था, लेकिन आज जो है तो बहुत सारे लोग 10वीं पास होते हैं। तो समय के बाद तो परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी जब आएगी। पहले सड़क बनाने के लिए जो तो लोग मेहनत करते थे, आज मशीनें हैं तो उसकी गति बढ़ेगी, और सरकार देखे किसी की भी आएगी ये गति तो बढ़ने ही है। ये चाहे बीजेपी की आए, चाहे कांग्रेस की आए, कोई भी आएगा इसको नहीं रोक सकता। इसके पहले था, अभी जैसे था, अभी कांग्रेस वाले यानी कि क्या बोलते हैं, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले उन्होंने धरना रखा था कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई। लेकिन आज जब आए तब उनके आते ही महंगा हुआ, उन्होंने ही शुरू किया, 15 महीने के अंदर ही पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल भी महंगा हुआ, गैस भी महंगी हुई। तो ये जो सिलसिला है बढ़ने घटने का, ये बढ़ता ही रहेगा। ये कोई भी सरकार आए, ये कोई कम करने के लिए। लेकिन उस दौरान स्टेट टैक्स कुछ कम था, उसके बाद स्टेट टैक्स बढ़ा दिया गया और ज्यादा। आपको पता है कि आपके जो बगल का जिला रीवा है, रीवा में हिंदुस्तान का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं लोग। रीवा नहीं है, अपने रीवा और अनूपपुर दो ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है। ये दुख की बात नहीं है, एक युवा है, मैं पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। ये दुख की बात तो है ना अपने लिए, कोई कहे को दुख की, जहाँ जैसे जो पब्लिक की इच्छा है महंगा खरीदे, सस्ता खरीदे। पब्लिक की इच्छा कैसे हो जाए तो ये बताइए, आपको अच्छा लगता है कि आप 150 रुपए या 130 रुपए जो तो पेट्रोल खरीदेंगे? जब अच्छा नहीं लगता तो आपकी इच्छा कैसे हुई? हमने उनको भी मौका दिया, अभी हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनको भी मौका दिया गया, ऐसी बात नहीं है। तो क्या उन्होंने पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया? ये एक मुद्दा होता है। वो पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जनता को मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो ये दोनों की कमी है कि नहीं है? दोनों की कमी है, बीजेपी की भी। आपकी रैगांव विधानसभा की मैं बात करता हूँ, रैगांव विधानसभा में इतने सारे युवा ये बैठे हुए हैं, आप भी कभी युवा रहे होंगे, आपने कॉलेज कहाँ से किया हुआ है? मैं कॉलेज यही सतना से किया हूँ, राजीव गांधी कंप्यूटर कॉलेज से। आपके जो है तो रैगांव में क्यों कॉलेज नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, मेडिकल कॉलेज खुल गया अभी, एक यहाँ पे अपने रैगांव में ही एक
सिंहपुर में घोषणा हो गई वो बनने वाला है। अभी मैं रहगांव मुख्यालय गया था, कल की बात है, वहाँ नारायणपुर नाम का हाँ एक गांव है, वहाँ एक लड़की से हमारी बात हुई। वो लड़की को कॉलेज जाना पड़ता है सतना, वहाँ से 22-23 किलोमीटर की दूरी है, और किसी भी जगह पे जिस जगह के नाम पर विधानसभा है कम से कम वहाँ पर एक कॉलेज तो होना चाहिए, वहाँ के बच्चों को 4-4 किलोमीटर। विकास, जब हम दसवीं पढ़ते थे, दसवीं पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से साइकिल चला के 12 किलोमीटर सतना जाया करते थे ग्यारहवीं बारहवीं करने, हमारे भरजुना में स्कूल नहीं थी, हमने ग्यारहवीं बारहवीं पास किया, बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने स्कूल को बारहवीं तक करवा दिया। अब कोशिश चल रही है यहाँ एक कॉलेज खोलने की, हो सकता है कि अगले चुनाव तक में, जैसे अभी उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद जैसे मेन चुनाव आएगा, शायद है कि घोषणा हो जाए कि यहाँ पे कोई कॉलेज का निर्माण हो सकता है। तो ये उम्मीद है आप लोगों की, हम इसी उम्मीद की बात कर रहे हैं, इसी चीज की बात कर रहे हैं। उम्मीद है, उम्मीद हमको भारतीय जनता पार्टी से ही दिख रही है, क्योंकि ऊपर भी उसकी सरकार स्टेट में हो गई, अपने दिल्ली में हो गई, उन्हीं की सरकार। यहाँ एक विधायक यदि हम कांग्रेस का भी बना लेते हैं तो वो कुछ नहीं, वो दर दर भटकता फिरेगा यहाँ से वहाँ, कोई नहीं होगा। हमारी सरकार है, ऊपर है नीचे है, विकास हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। झंडे तो अगर हम देखते हैं तो झंडे कांग्रेस के बहुत सारे दिखाई देते हैं, आपके पार्टी कार्यालय के आस पास भी बहुत सारे झंडे दिख रहे हैं। आज हमारे क्या है, मुख्यमंत्री उनकी अवहेलना नहीं कर सकते, उनका भी स्वागत किया जाता है, हमारे गाँव में आए हुए है, हमारे हमको सबसे बड़े गर्व की बात है कि हमारे इस छोटे से गांव में शिवराज जी, कमलनाथ जी, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब लोग आ रहे हैं, सबका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आज आए हैं तो उनके स्वागत के लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं झंडा लगाए हैं, आदमी किसी को मना नहीं कर सकता कि आप झंडा ना लगाओ, हमारा कार्यालय, हमारे कार्यालय जो है तो है ही है, उनका है तो वो है, अपना ये है।